पे खड़े हैं चंडीगढ़ से जो पार्षद है अनिल दुबे जी, चलिए इनसे जानते हैं कि सर आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं निगम निगरानी को, क्या भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, चंडीगढ़ भाजपा की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी है इस वार्ड में, और मैंने देखा है कि नीलम रानी के समर्थन में बड़ा जोश है, यहाँ के लोगों में उत्साह है, क्योंकि इनके जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों यहाँ पर पार्षद रहे हैं, तो ये किसी परिचय के मोहताज में बहुत सारे काम इन्होंने किए, और जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय MLA और अब माननीय स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने बहुत सारे विकास के काम जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए, यहाँ पे चाहे पुल बनाने का मुद्दा हो या गलियाँ पक्की करवाने की सारी समस्याएं दूर हुई, और कोविड के दौरान जो सेवा उन्होंने की है लोगों के घरों में राशन पहुँचाना या जरूरत की जो सामग्री है सारी चीजें उन्होंने जो प्रोवाइड करवाई है उससे लोगों में बड़ा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की जिताएंगे, और जो हमारे मेयर हैं वो पहले से समाज सेवी रहे हैं और समाज सेवा के प्रति उनका जो जुनून है उसको लोगों ने देखा है, निश्चित तौर पर 6-7 और वार्ड से दोनों उम्मीदवार कविता अभिनान और नीलम रानी और हमारे जो मेयर के कैंडिडेट हैं कुलभूषण गोयल निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और लोगों में बड़ा जोश है और पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, जितने उन्होंने वादे किए हैं आपने देखा होगा, चाहे वो शौचालय का मुद्दा हो या घर घर बिजली का एक योजना और आ रही है हर घर जल का, या लोगों को राशन देने का, कोविड के दौरान जो उन्होंने अपने ना सिर्फ सरकारी तंत्र को बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जिस तरह लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों का पूरा विश्वास है, और ये तो सच्चे सीधे सच्चे कुछ किसान हैं, उनको गुमराह करने का भ्रमित करने का काम जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं मुझे लगता है वो लोग उसमें सफल नहीं होंगे। आज आपने देखा होगा बागपत एरिया में जो हमारे सांसद हैं सतपाल जी के साथ बहुत सारे किसान हजारों की संख्या में सरकार के समर्थन में रैली करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनका जो आंदोलन था वो खत्म होगा बहुत जल्दी, और अंदर पार्टियों के मंसूबे हैं बहुत मस्त। जो विरोधी लोग हैं उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, वो कुछ भी सरकार अच्छा करती है तो उसके विरोध में वो आते हैं, है नहीं काम करने के लिए। 70 साल के राज में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे, तो लोगों ने सिर्फ भ्रमित कर। मदन चौहान जी सर आप क्या कहेंगे इलेक्शन के चल रहे हैं? मैडम मैं यहाँ चुनाव में सहयोग करने के लिए आया हूँ। बताएं तो कैसा चल रहा है यहाँ पे लोगों का जो भी सपोर्ट है? और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना यहाँ बहुमत के साथ आने वाले हैं, यहाँ हमारे 20 में से 15 से 16 प्रत्याशी जीतने वाले हैं और मेयर का कैंडिडेट बहुत भारी मतों से जीतने वाला है, यहाँ की जनता ने मन बनाया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।